उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम करवट लेने वाला है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि 15, 16 और 17 अक्टूबर को प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलेगा। इन 3 दिनों में मैदानी जिलों में हल्की बारिश तो पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी होने की संभावना है। उन्होंने ये भी कहा कि 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी अधिक देखने को मिल सकती है और तेज हवाएं चलने की भी आशंकाएं हैं। विभाग ने इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया है। प्रदेश में बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चमोली और रुद्रप्रयाग में 3500 से मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में ज़्यादा बर्फबारी की अधिक संभावना है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 14 तारीख अक्टूबर की है तो आज तो मौसम साफ रहने वाला है प्रदेश में, लेकिन कल 15 तारीख से देखेंगे अक्टूबर की तो जो एक पश्चिमी विक्षोभ है वो आ रहा है, उसकी वजह से 15, 16, 17 में मौसम की कुछ गतिविधियां उत्तराखंड में देखने को मिलेगी। तो 15 को अगर बात करें तो रात शाम से जो है हल्की बारिश और हायर रीचेंज में जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उनमें बर्फबारी वो देखने को मिलेगी। इसी तरह 16 को बात करें तो हल्की से मध्यम तक जो बारिश और बर्फबारी वो 16 को भी अनेक जगहों तक में देखने को मिलेगी और 17 में जो एक्टिविटी वो कम हो जाएगी, कुछ जगहों तक में हल्की वर्षा और बर्फबारी वो देखने को मिलेगी। तो जहाँ तक बर्फबारी की बात है तो जो हमारे अंदर के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, तो इनकी जो प्लेसेस है 3500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर बर्फबारी वो देखने को मिलेगी। अन्य जगहों में जो है हल्की वर्षा या 16 तारीख की हल्की से मध्यम तक की वर्षा वो देखने को मिलेगी। तो 15 शाम रात से जो है मौसम में बदलाव आ रहा है और ये 17 की शाम तक ये एक्टिविटी रहने वाली है। तो पीक जो है 16 तारीख को आप कह सकते हैं कि जो हल्की से मध्यम उस दिन वो रहेगी।